हेलो दोस्तों, वेलकम टू समीर की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, बिकॉज़ आई एम सफरिंग अ किडनी स्टोन, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू एक्टिव रहूँ। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे साड़ी में फॉल लगाना, वो भी बहुत आसान तरीके से। आपको साड़ी में फॉल लगानी तो आती होगी, मगर जो मैं आज का मेथड बताने वाला हूँ, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, उससे आप किसी भी साड़ी पर फॉल आसान तरीके से और जल्दी, बहुत जल्दी लगा सकते हैं और बिना किसी झोल के लगा सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसा कि साड़ी है क्लाइंट की, तो हम इस पर फॉल लगाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, साड़ी को खोलकर सबसे पहले इस पर प्रेस मार लेनी है हल्की हल्की, जिस एरिया में हमें फॉल लगानी है। तो हम प्रेस कर लेंगे इस पर हल्की हल्की। ये ज़रूरी है क्योंकि जो नीचे का कपड़ा है, ये जहाँ एम्ब्रॉयडरी होती है या जरी का वर्क होता है, तो यहाँ पर ना कपड़ा सिकुड़न हुई भी होती है, तो जिसे हम प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो अब हम इस पर जहाँ जितने हिस्से में हमें फॉल लगानी है, उतने हिस्से में हम प्रेस कर लेंगे। अब जैसे कि हमें यहाँ पर फॉल लगानी है, तो हम लोग फॉल के लिए एरिया कितना छोड़ेंगे, हमें फॉल के लिए एरिया छोड़ना है 12 इंच। तो 12 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पर, अब जैसे कि ये फॉल है, ये फॉल भी मैंने प्रेस कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉल रखकर नीचे की साइड बिल्कुल पक्की सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ पर कच्चा नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर बहुत बारीक वाली और पक्की सिलाई लगानी है। तो आइए मशीन पे इस पर सिलाई लगाते हैं। अब जैसे ये निशान है जो हमने लगा रखा है 12 इंच पर, अब यहाँ पर फॉल रखेंगे और जो इसकी साड़ी की कन्नी है, ये और फॉल को बिल्कुल मिला कर रखेंगे, और जो ये इसकी सिलाई है, इसको बिल्कुल 2 पॉइंट पर लेकर आ जाएंगे, बिल्कुल छोटी सिलाई यहाँ पर पक्का करेंगे इसे, और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई इसके लगाते हुए चलेंगे। कन्नी और जो ये फॉल है, ये बिल्कुल बराबर की रखी हुई होनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अब ये हमारी साड़ी की फॉल लग चुकी है किनारे किनारे। देखिए, हमने बिल्कुल किनारे किनारे इस पर सिलाई लगा ली है। और अब चलते हैं सीधा काउंटर पे। अब जैसा कि हमने ये काउंटर पे साड़ी पूरी बिछा दी है, नीचे की हमारी सिलाई बिल्कुल पक्की लग चुकी है। अब इसमें जो ट्रिक करनी है, क्या करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर है, अब जो फॉल में झोल आता है वो हमेशा ऊपर की साइड आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कन्नी होती है वो मतलब नीचे से श्रिंक हुई हुई होती है, और ऊपर से जो कपड़ा होता है वो खुला हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये मार्केट से 10 रुपये की ये पत्ता मिलेगा आपको पिन का, ये पिन लेकर आनी है। और ये पिन का कैसे यूज़ करना है, आपको पूरी साड़ी ये फॉल को स्ट्रेट रखना है, और उसके बाद सबसे पहले पिन लगानी है आपको यहाँ पर। अब ये पिन लगाने के बाद अब एक एक पिन लेते रहेंगे, और जैसे जैसे साड़ी आ रही है उस तरह से आपको लगाना है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी आगे भी देखिएगा कि आगे आपको और आसान तरीके से किस तरह से फॉल लगाने का मैं तरीका बताऊँगा। ये देखिए, हम अभी तक फॉल में पिन लगाते हुए आ रहे हैं, और अभी तक कहीं पर भी कोई झोल नहीं आया है, बिल्कुल स्ट्रेट हमारी फॉल लगती हुई जा रही है। और जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, जो भी जो थाल से फॉल लगाती हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग थाल रखती हैं, प्लेट्स रखती हैं, और उसके बाद फॉल लगाती हैं बहुत मुश्किलों से। बहुत ईजी मेथड है ये, 10 रुपये का पिन का पत्ता आपको मिल जाएगा मार्केट में, ये पिन लेकर आइए और बहुत आसान तरीके से फॉल लगाइए। ये देखिए, हमारी फॉल हम लास्ट तक पहुंच गए हैं और कोई भी झोल नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, मशीन से अब यहाँ पर कच्चा मारेंगे। पहले हमें बड़ी बखिए से इस पर कच्चा मारना है पूरी फॉल में। अब ये पूरा हम फुल इसको कर देंगे बखिए को, और अब यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमारी फॉल लगती हुई जा रही है, और हमें कोई भी चुन नहीं देनी पड़ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉल लग रही है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो फॉल लगाते हैं, जैसे साड़ी में यहाँ पर वो प्लेट्स वगैरह, छोटी छोटी प्लेट डालते हैं, ऊपर चुन आती है, बट हमारे जो फॉल लगाने का तरीका है, इसमें कोई भी प्लेट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और बहुत ईजीली ये फॉल लगती हुई जा रही है। ये देखिए, ये हमारी फॉल का कच्चा बहुत आसान तरीके से हो गया। अब देखिए, हमारी ये कच्ची सिलाई पूरी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सारी पिन इनमें से निकाल देंगे।
और पिन निकालने के बाद जो भी चापा या तुरपाई आप लोग जो भी करते हैं वो आसान तरीके से आप कर सकते हैं। फॉल में कोई झोल नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉल लगेगी आपकी और बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी फॉल, हमने यहाँ पर ये तुरपाई भी कर दी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बिना किसी झोल आए। ये देखिए कहीं पर भी कोई झोल नहीं है, कोई प्लेट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये फॉल लगी है। तो देखा आपने, इन पिनों ने फॉल लगाने का तरीका कितना आसान कर दिया। सिर्फ 10 रुपये में आपको ये मार्केट में मिल जाएगी और फॉल आप अपने घर बैठे बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।